जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि गंदम किस तरह से कटी पड़ी है। देखें गंदम कैसे जो है ना, किसान लोग किस तरह से गंदम को काटते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये थबिया वगैरह पुल वगैरह बने हुए हैं। देखें ये सारी गंदम हाथ से कटी गई है, बड़ी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ये, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ये। देखें जी दोस्तों, आप देखें अब हम जाना गंदम जहाँ से, जहाँ पर किसान लड़के बच्चे जो है ना काम कर रहे हैं, अब वहाँ पर जा रहे हैं। हम देखते हैं किस तरह से वो गंदम को काट रहे हैं, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बाश वगैरह भी दिखाएंगे, किस तरह से बाश वगैरह लगाई जाती है, कंपटीशन किया जाता है, मुकाबला किया जाता है, थोड़ा सा मुकाबला वगैरह भी करेंगे। ये देखें किस तरह से गंदम के चीरे फाड़े कर रहे हैं ये। जी उस्ताद जी, वेरी गुड, भी वेरी गुड जी उस्ताद। जी उस्ताद जी, देखें भी देखें किस तरह से ये कंपटीशन कर रहे हैं। गप शप करो अमीरा, तो यार क्या करें ना पहला बंद कहीं में कड़ा को नहीं दीजिए तू बढ़े ना पाए। क्या बता था, घनी धूप गए तो बहुत मेहनत करनी थी, धूप धूप अपना मनवावे थी, तो बाद में दर्द थी मेरे बेटे, कड़ा को मेहनत करनी थी ना, खाओ पियो के तो साल दियो। ऐसे बोले ना खड़े से, सीधा सीधा बोलो ना तू, हां सीधा कोई हम जबान पोट वापस लावा। क्या कड़ा कड़े ने पावे, सारी हिम्मत है अदा धोपी कड़ा करते पहु। हां कमरा हाथ में धोप दी थी जरा ना, तब तक भी है। अच्छा हिम्मत खाली, हिम्मत खाली, अपनी हिम्मत करते पे हां, फिर बच्चे ने भी नहीं खिलावांगे। हां जी उस्ताद, ए छिकनी पोंदी है हां, गरम दे दो दे खाली ना, मेरे खून गरम थी मेरे, हां दिन कोरोना आई होदी है, चौकी बैठ खींद तुसा धूप कुछ नहीं कर सकती, हालांकि बंदे वास्ते ठंडी थी वेंगी धूप, लोग तो 2 मिनट निकलते हैं तो सदे अंदर वाला पा वेन, पर एक मसला मसाल का नहीं, इन नाल जान खोल वेंदी है, बेहतरीन प्रोटोकॉल बन वेंदे। इस तरीके से लगे पाया तनु तनु मतलब दे के थमी बना के भेज रहे हां, ए दाना है विच दा तो एको दिखावा हुन, गंदम खुश थई खड़ी दाढ़ी, ए गंदम खुश थई गई, दाना निकला पे, बड़ा सोना दाना निकलता पे, देख गन थ्रेशर आसी वाले दाना कड़े सी, बस लगे पे दा, लगे पे बस, बस साकू बदली पोसी बाते
बालू नु बाद असर राड़ा गां पुकेसू उन तो भू निकलती इस तरीके नाल असा एकर दी कामयाबी हासिल करेसू। सही है जी, आपने देख लिया जानों को। अब अगला सीन जो आपको दिखाएंगे कि तूड़ी को किस तरह से इकट्ठा किया जाता है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, वो आपको आप दिखाएंगे। इसके बाद जो अगला सीन जो आप देखेंगे वो तूड़ी का होगा। ये आपने देख लिया है सीन। अब ये गंदम कैसे कटी हुई है देखें। जानवरों का सीन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि जानवर भी बहुत मज़े से जो है ना गंदम की फायदा उठाते हैं गंदम से, क्योंकि नीचे से दाना वगैरह होता है, दाना सीटी तो पड़ी होती हैं, सीटियाँ वगैरह दाना वगैरह के। आप देखें कितने सीटियाँ जो है ना नीचे पड़ी हुई है, देखें आप ये सारी सीटियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये सारी सीटीज़ हैं ये देखें। तो जानवर वगैरह भी आसानी से इन चीज़ों को खा लेते हैं और गंदम उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जी दोस्तों आप देख रहे हैं जानवरों का सीन, देखें जानवर भी कितने मतलब के फास्टली जा रहे हैं देखें। जी जी अगला सीन आपको और भी दिखाएंगे कि एक कोप के ज़रिए से गंदम को काटा जाता है, जिसमें जो है ना गंदम के दाने वगैरह जाना निकाल लिए जाते हैं और तूड़ी वगैरह का जो भूसा वगैरह होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर क्या करते हैं किसान लोग उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करना जो है ना बहुत दिन के लिए मुश्किल होता था, लेकिन एक आज अब जो है ना साइंस के ज़रिए से एक नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की चुकी है, हो चुकी है, जिससे जो है ना दरियाफ्त हो चुकी है, जिससे मतलब गंदम को बनाया जाता है। तूड़ी वगैरह जो है ना आसानी से इकट्ठा करने के बजाय बल्कि वहीं से जैसे कोप के ज़रिए से गंदम को गंदम निकाली जाती है, दाने वगैरह निकाले जाते हैं, इसी तरीके से जो है ना ये निकाले जाते हैं, तूड़ी वगैरह भी निकाल ली जाती है। वो भी आपको सीन अगला सीन हम दिखाते हैं। चलो सबसे पहले आपको वो तूड़ी इकट्ठा करने वाला सीन दिखा देते हैं। तो आप देखें कि गंदम को कैसे इकट्ठा किया जाता है, इनके पूल वगैरह बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ढेर वगैरह बनाए जाते हैं इनके, ये इस तरह से गंदम को इकट्ठा किया जाता है। जी जट लोग जो होते हैं, किसान लोग जितने भी होते हैं, मजदूर जितने लेबर जितनी भी होती है, वो बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, एक एक दिन का एक एक थबी को इकट्ठा करना, एक एक पूल को इकट्ठा करना, फिर उसकी गांठ वगैरह लगाना। और ये देखें किस तरह से पूरे एकड़ को उन्होंने साफ करके रख दिया, देखें बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग जितने भी हैं, हमारे जितने भी मतलब शहरी लोग जितने भी होते हैं, उनको तो इतना ख़ास इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि गंदम कैसे काटी जा रही है, किस तरह से बनाई जाती है। ये जो जितने भी मतलब एक किसान वगैरह होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस बारे में कि गंदम को कैसे इकट्ठा किया जाता है और उसको काटा जाता है। बड़े से बड़े बड़े तकरीबन इसके लिए तो 3 से 4 बंदे इसके लगते हैं, दात्री वगैरह भी उठाते हैं और उसको मतलब के इकट्ठा करते हैं उसे। अब आपको अगला सीन जो हम दिखाने वाले हैं वो तूड़ी के बारे में हम दिखाएंगे कि तूड़ी किस तरह से ये लोग इकट्ठा करते हैं और कैसे धाड़ वगैरह बनाते हैं। तो आपको अब बता रहे थे कि तूड़ी वगैरह कैसे इकट्ठी की जाती है, तो उसका सीन ये है कि सबसे पहले कि तूड़ी वगैरह को इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। तूड़ी वगैरह को इकट्ठा इस तरह से ये ढेर वगैरह बना जाता था, तो उसके बाद जो है ना फिर इसको लंबाई कैसे करते हैं, इसकी लंबाई मतलब ये है कि इसको सेफ कैसे किया जाता है। इसको ये देखें आप, पूरी एक ऐसा मतलब ऐसे कब्र की तरह बनी हुई होती है ये। जी तो ये सारा सीन बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। और ये ऐसा इकट्ठा किया हुआ है कि इसमें हवा वगैरह से भी, अगर हवा भी चल जाए तो ये कभी उड़ेगा नहीं, इतना ज़्यादा से ये दबा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जट किसान मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर देखें आप तूड़ी वगैरह को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपको अगला सीन ये दिखाने वाला हूँ,
ये जाट लोग कैसे जाना तूड़ी वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, आप सामने देखें तूड़ी वगैरह ये कैसे इकट्ठा कर रहे हैं आप। बड़ी मेहनत से इन्होंने तूड़ी वगैरह ये एक बनी बड़ी है वो बना रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जाना ये खेल वगैरह बनाए जाते हैं, पानी वगैरह लगा के फिर इसकी इसका गारा वगैरह मड वगैरह बनाया जाता है, गारा वगैरह बना के फिर जाना इसकी लंबाई की जाती है। इसका जो मेन पोजीशन होती है वो कहाँ से आती है वो देखें आप। ये आप देख रहे हैं नाला, ये इस तरह से नाले के ज़रिए से ये आता है, ठीक है, नाले के ज़रिए से ये आता है और इस तरह से ये एक दायरानुमा बनाकर उसके अंदर पानी वगैरह छोड़ा जाता है। पानी ये जो मिट्टी इकट्ठी की हुई है ये सारे जाना वगैरह बनाया जाता है। यहाँ से आप देखें ये नाला वगैरह बना के फिर इसमें से पानी छोड़ा जाता है और ये पानी यहाँ इस ज़मीन के अंदर इस दायरे के नुमा के अंदर आ जाता है। फिर ये नुमा जो है ना गारा वगैरह बन जाता है, गारा वगैरह बन के फिर उसके बाद जो है ना इसकी लंबाई की जाती है, फिर ये सेव हो जाता है। फिर ये सारे साल तक पूरे साल तक ये ना इसे लोग जाना अपने भैंसों जानवरों के लिए जाना तूड़ी वगैरह निकालते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, इस तरह से ये सेव हो जाती है जी। आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये ना फिर इस तरह से इसकी लंबाई की जाती है और ये इस तरह से सेव हो जाती है। साल पूरा साल तक ये मिट्टी जो है ना कभी भी ऐसे फुरती नहीं है, फिर किसान इसको ऐसा ऐसे तूड़ी वगैरह को निकालता रहता है और ये सेव हो जाती है। इससे अगला सीन आपको आप थ्रेशर के दिखाएंगे कि दाने किस तरह से थ्रेशर में से निकलते हैं और तूड़ी वगैरह भी कैसे। कटो कटो कटो
आगे आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग किसान किस तरह से मजदूर लोग कैसे मजदूरी कर रहे हैं। सारा लकड़ा कपड़ आए खड़े हैं, कड़ी कपी का नहीं, पहली दफा आए खड़े हैं। ये देखो शार्ट दिखाओ, ये दे सारे को आज यो शाबाश शाबाश। ये मेरा पुत्र खड़े, भतीजा खड़े, सारे खड़े कड़े कपी का नहीं और कपड़ आए खड़े हैं। लॉकडाउन की वजह तो अल्लाह ताला ये बीमारी दूर फरमावे। आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कितनी कणक कब की देवे तुसा? कणक सा सर कपी है 8 किलो। 8 किलो? अच्छा अच्छा, क्या भाव देने पैन मजदूरी? मजदूरी देने पैन साल 5.5 अच्छा 6.5 काट दे रेशा ले चुकाट दे देवनी। अच्छा, 3 चुकाट दे देवनी। 6.5 मण 6.5 ना 6 मण 6 मण 5.5 तो 6 जी, मतलब 8 किलो तो सा कणक वाट की दिए तो कम से कम 8 6 48 मार बंदे या 15 है। 15 माशाल्लाह माशाल्लाह, या बिल्कुल सही है। दसो शर्म की खड़े मैं कर सांडवा मैं पैसे खर्चा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मेहरबानी। अल्लाह ताला ये बीमारी को दूर करे, बीमारी दूर फरमावे, अल्लाह ताला बस खत्म करे। अल्लाह ताला कारोबार हर बंदे कारोबार जा वने। सही सही, ठीक है सर, मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये जड़ी गंदम तले पाचवे थी वो गई
सड़ गई सड़ गई। अच्छा 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 इधर हम बड़ा फायदा है थोड़ा जा। सही सही, ये आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स वगैरह किया है, बॉक्स वगैरह किया है जो ये तूड़ी वगैरह निकालने के लिए जो मशीन बनेगी है, ये देखिए आप, ये तूड़ी वगैरह का भी बंदोबस्त इन्होंने कर लिया है। साइंस की बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज है कि जिन्होंने तूड़ी का भी बंदोबस्त कर लिया है। पहले जो होती थी सिर्फ कोप होता था, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, वो हार्वेस्टर मशीन के जरिए से तो मतलब वो काट लेते थे गंदम को, तो ऊपर से काट लेते थे, लेकिन तूड़ी वगैरह तय हो जाती थी। अब ये किया किसानों ने कुछ सोचा इसके बारे में, और साइंस टेक्नोलॉजीज ने इसको फिर से जो है ना एक नई प्रोडक्शन ईजाद की है, जिसमें देखें तूड़ी वगैरह को भी इकट्ठा किया जा रहा है। आप देखें किस तरह से मशीन जो है ना चल रही है। वो वाली मशीन जो हार्वेस्टर वाली होती थी वो भी ऐसे होती थी, लेकिन इसकी कुछ और खूबसूरत है, वो उसका जो मेन पहिया होता था वो और होता था, वो उसके ऊपर से बंद होता था, लेकिन इसका मेन पहिया जो है ना वो छोटा सा बना दिया दोस्तों। ये था गंदम की कटाई के बारे में सारे पूरी मालूमात थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें।